मिनरल्स हैं नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस नेचर में प्रजेंट केमिकल कम्पोजिशन मिनरल्स आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस ये नेचुरल प्रोसेस से बने इन्हें बनने में लगते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो इनका यूज प्रॉपरली होना चाहिए और री यूज भी होना चाहिए मिनरल्स कैन भी आइडेंटिफाई दाइस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर डेंसिटी हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सोलबिलिटी टाइप्स ऑफ मिनरल मिनरल्स मेरे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स मेटल को मेटेलिक मिनरल्स भी दो टाइप के हैं फेरस एंड नॉन नॉन फेरस तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मिनरल्स दो टाइप के मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मेटेलिक कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म मेटेलिक मिनरल में मेटल होते हैं मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस मेटल है तो हार्ड सब्सटेंस होंगे दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैवी करेक्ट्रिस्टिक लस्चर एंड साइन तो मेटलिक जो मिनरल्स हैं उसमें मेटल तो होंगे तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से तो मेटलिक मिनरल दो टाइप के हैं फेरस एंड पहले देखते हैं नॉन मेटलिक नॉन मेटलिक जो मिनरल हैं डो नॉट कंटेन मैन मेटल मेटलिक मिनरल में मेटल होता है नॉन मेटलिक में मेटल नहीं होता तो नॉन मेटल में कौन कौन से हैं लाइम स्टोन माइका जिप्सम कोल पेट्रोलियम मेटेलिक मिनरल जनरली एसोसीटेड होते हैं इग्नियस रॉक से ये मिलते हैं जनरली इग्नियस रॉक से और जो नॉन मेटलिक मिनरल हैं जैसे कि कोल है पेट्रोलियम ये मिलते हैं सैडिमेंट्री रॉक से, से। सेडिमेंट्री रॉक वो इकट्ठा होते हैं लेयर बाई लेयर उस तब बढ़ती हैं मेटलिक जो मिनरल है उसमें जनरली वो मेटल्स के तो होते हैं जनरली हार्ड होंगे इसलिए एंड उनमें एक साइन भी होगी खुद की जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हार्ड भी नहीं होंगे उनमें कोई चमक भी नहीं होगी देयर ऑन मेटलिक मिनरल में कंटेनिंग मेटल और नॉन मेटलिक में मेटल नहीं होता डो नॉट कंटेन मेटल मिलियेबल एंड डक्टाइल है अच्छे से वो पतली लेयर भी बन सकती है और एक वायर के रूप में बन सकते हैं नॉन मेटलिक में ऐसे नहीं प्रॉपर्टीज़ हैं और मेटलिक मिनरल में टस्चर होती है सोच चमक होती है नॉन मेटलिक में नहीं होती तो मेटलिक मतलब मेटल है नॉन मेटलिक मतलब नॉन मेटल नहीं है मेटलिक मिनरल मिलते हैं इग्नियस रॉक से नॉन मेटलिक मिलते हैं सेडमेंट्री रॉक से मेटेलिक मिनरल्स भी दो तो टाइप के हैं फेरस एंड नॉन फेरस फेरस मिनरल्स में होता है आयरन मैगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन ये आयरन और कैम फेरस मतलब आयरन इसमें है और नॉन फेरस मतलब इसमें आयरन नहीं है नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड मतलब नॉन फेरस में आयरन नहीं होगा फेरस में आयरन होगा फेरस मिनरल्स दोज कंटेन आयरन फेरस में तो आयरन है नॉन फेरस में आयरन नहीं है आयरन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और आयरन नहीं है तो मैग्नेटिक मैग्नेटिकटी नहीं होंगी फेरस में ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये इसमें आयरन है नॉन फेरस में लाइट होगा और मेलेबल होगा मतलब एक पतली लेयर टाइप बन जाएगी वो आयरन है तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी हाई क्रोजन रजिस्टेंस होगा ये नॉन फेरस इसमें नहीं होगी आयरन मोस्ट और हैवी वेट है होंगे जो फेरस है इन ये, ये आयरन है तो हैवी वेट तो होंगे और जो नॉन फेरस हैं वो उनका वेट इतना नहीं होगा लो वेट होंगे वो बट जो आयरन है उससे उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी ये लेस कॉस्टली होंगे इन कंपेरिजन टू नॉन फेरस नॉन फेरस की कॉस्ट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे आयरन का जो फेरस वाले हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और जो नॉन फेरस है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा बस आयरन वाले की एक कमी है कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है जो नॉन फेरस है उनकी वो ज़्यादा कॉस्टली है तो जो फेरस मिनरल्स हैं उनमें आयरन होता है नॉन फेरस में आयरन नहीं होता फेरस में आयरन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी ड्यूरेबल होगा इस्ट्रॉग भी होगा बट रस्टिंग हो जाएगी हेवी वेट होगा कॉस्ट कम होगी इसकी एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं इनमें आयरन नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं है लाइट भी है कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन नहीं लगेगा कुछ नहीं होगा उसमें इन, वे, इनका वेट भी कम होगा वेट कम होगा तो कॉस्टली भी ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये हो गए टाइप ऑफ मिनरल्स मिनरल्स मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मेटलिक में दो टाइप के हैं फेरस एंड नॉन फेरस